भारतीय ओपनर रोहित शर्मा है भारत के इनकंसिस्टेंट खिलाड़ी। शर्मा क्रिकेट में 200 वनडे मैच पूरा करने के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में बतौर कैप्टन उतरे और साथ ही 200 वनडे खेलने वाले 15वें भारतीय बन गए। रोहित ने अपने करियर में कई बेहतरीन शॉट्स लगाए और रन भी बटोरे, लेकिन अफसोस की बात है कि बेहतरीन खेल होने के बावजूद रोहित अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर नहीं रख पाते। रोहित ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में आयरलैंड के खिलाफ खेलकर की थी। 12 साल के अपने करियर के दौरान उन्होंने 3 दोहरे शतक लगाए और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं। अपने नाम इस तरह का रिकॉर्ड होने के बावजूद शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में वो जगह हासिल नहीं कर पाए हैं जो धोनी, विराट या अन्य खिलाड़ियों ने बनाई है। रोहित के खेल का पता उनके फॉर्म से नहीं लगाया जा सकता है। इस बात का अनुमान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे से भी आसानी से लगाया जा सकता है। बेहतरीन फॉर्म में होने के बावजूद रोहित से न तो कप्तानी संभली और न ही अपना खेल। नतीजा, भारत 92 रन पर ही सिमट गया। आपको क्या लगता है, रोहित विराट से ज्यादा टैलेंटेड है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।